आज हम लोग पढ़ते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड का सम। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज ये 8 है, ये 6 है, ये 4, सारी यूनिट सेंटीमीटर हैं। तो यदि हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये पेरीमीटर हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 8, और ये बन जाएगा ये 18 सेंटीमीटर। हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, ये यूनिट सेंटीमीटर है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज ये फिगर है, ये साइड है 8, ये साइड है 6, ये 7 और ये 5। इसका पेरीमीटर आपको निकालना हो तो इन सारे साइड का सम फिर से कर देंगे, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5, और आंसर आ जाएगा कितना, यहां से 13 8 21 और 5 26, और जो भी यूनिट गिवन होगी सेंटीमीटर मीटर उसमें लिख देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज हमारे पास इस टाइप का फिगर है, ये मान लो 13 है, ये सपोज 24 है, और ये 6 है, और ये सपोज 10 है। आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए सबका सम कर दें, 6 प्लस 10 प्लस 24 और प्लस 13, तो इस ढंग से बन गया। अब आपके लिए क्वेश्चन, पेरीमीटर निकालना है, फिगर ये है, ये है 10, ये 6, ये भी 6, ये 10, ये पहला हो गया। दूसरा है, ये फिगर है, इसमें से ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है। अगला फिगर है इस टाइप का, ये 6 है, सारी साइड 6 के इक्वल है। फिर अगला क्वेश्चन है इसी का कि आपके पास ये है 8, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया, सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो उसका बेस चाहिए। इस लाइन को यदि हम बेस बोले तो इस पर एक लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसको हमने ज्वाइन करा दिया। यदि हमारे पास बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो, ये दोनों साइड गिवन हो, तो हम फार्मूला लगाते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। कुछ जगह हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे। एरिया आपको फाइंड करनी है, बेस गिवन है 8 और अल्टीट्यूड गिवन है 6। तो इसमें भी आप कोई एरिया इक्वल टू 1/2 बेस लिख देंगे 8 और अल्टीट्यूड लिख देंगे 6 और सिंपल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 24, और ये जो यूनिट है इसमें स्क्वायर लग जाएगा, यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके लिए क्वेश्चन, फाइंड एरिया। एरिया को फाइंड करना है, बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर
और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को हम यहाँ h लिख रहे हैं, h इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल है एरिया निकालनी है, बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड है हमारा 6 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन, एरिया निकालनी है, बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की एरिया में बेस और अल्टीट्यूड तो रहेगा ही, बस जो नीचे 2 लिखते थे वो नहीं आएगा, केवल हम इसमें बेस और अल्टीट्यूड लगा देंगे। अच्छा, अल्टीट्यूड को हमने बताया था कि हम उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और उसको हाइट भी बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें ये 6 है, ये 4 है, तो हम इसकी एरिया जब निकालेंगे तो केवल 4 × 6 लिख लेंगे जो कि 24 होगा, और फिर जो यूनिट होगी मान लो ये सेंटीमीटर में बनते हैं तो ये सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। तो हम अगला सवाल दे रहे हैं, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है, वैल्यूएट करना है सब में। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। बेस है 2.4 सेंटीमीटर और हाइट है यानी अल्टीट्यूड है इसका 3.5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्वेश्चन है, बेस है 6.5 सेंटीमीटर और हाइट है 4.2 सेंटीमीटर। और एक और क्वेश्चन है, बेस है 10.3 सेंटीमीटर और हाइट है 2.6 सेंटीमीटर। तो आपको इनको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और सारे के आंसर लिख करके मुझे भेजने हैं। थैंक यू।